दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिनभर की खास खबर। ग्राम मानकपुर के आदिवासी समाज के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की सुविधाओं की मांग। बेटी के साथ मारपीट करने वालों पर ठोस कार्रवाई न होने से दुखी पिता न्याय मांगने पहुंचा एसपी के पास। और रेलवे ट्रैक पर बैठकर मोबाइल में व्यस्त हैं तीनों युवक, जबकि पास वाले रेलवे ट्रैक से तेज गति से निकल जाती है ट्रेन। उड़ा रहे हैं रेलवे नियमों की धज्जियां, डाल रहे हैं अपनी जान आफत में। नटरन तहसील की ग्राम मानकपुर से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जिला प्रशासन के पास पहुंचे, अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की मांग कलेक्टर से की। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने 4 जून के बाद समस्या निदान की बात कही। एक मिनट, हैं कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ पर रही है? तहसील कौन सी है? नटेरा। क्या समस्या है आप लोगों की? लाइट नहीं है हमारे घर, पानी नहीं है, कुटी भी नहीं आ रही। कितने परिवार हैं? रास्ता भी नहीं है, हीट पे। कितने परिवार हैं वहाँ पे? 35। हमारा नाम सुरेश। कहाँ के रहने वाले हो? नानकपुर के। कौन सी तहसील? नटेरा। कौन सा समाज है आप लोग? हम आदिवासी शहरिया। शहरिया, क्या समस्या है वहाँ पर? हमारे तो कुटी भी लेंगे, पानी भी लेंगे, साफ रास्ता भी लेंगे, रोड मोड कुछ नहीं है। अच्छा। लाइट भी लेंगे, हर दिन टांग दे जाते हैं। कितने परिवार रहते हैं वहाँ पर? हम कम से कम 30 लोग रहते हैं वहाँ, 30 घर है वहाँ। 30 घर? हाँ, पूरे बस्ती में। अभी कलेक्टर से मिले क्या कह रहे हैं? वे कह रहे थे 15 दिन के बाद सुनेंगे। 15 दिन। बासुदा तहसील के ग्राम महागौर से 60 वर्षीय फूल सिंह अहिरवार ने जिला मुख्यालय पहुंचकर बताया कि 4-5 दिन पूर्व उसकी बेटी के साथ 4 लोगों द्वारा जमकर मारपीट की गई थी। पुलिस में रिपोर्ट के बाद भी दोषियों पर कोई कार्रवाई न होने से दुखी पिता ने एसपी को ज्ञापन सौंप कर न्याय की मांग की है। तुम रो पूरा नाम बताओ। फूल सिंह अहिरवार। कहाँ रहते हो दादा? महागौर तहसील बासोदा। काय के लिए आए दादा आप यहाँ पे? हमारी अपनी लड़की को मारपीट करी वहाँ गंज बासोदा में, कोई सुनवाई नहीं भाई। 4 दिन बासोदा की अस्पताल में पड़े रहे। परसों के दिन शनिवार को एसपी साहब गंज बासोदा गए थे, जे भी पुलिस से के आए थे, लेकिन पुलिस ने हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ आपकी लड़की को? कौन ने मारा है? लड़की को मारी ये चारों लड़कों ने। कौन कौन ने मारी है? रूपा, अनिला और बाको नाती ब्रिजेन। किस, कब मारी थी? ये मारी थी साहब इसी में जो। हाँ, कितने दिन हो गए? 4-5 दिन। किस बात को लेके विवाद हुआ था आपका? हाँ। किस बात को लेके लड़ाई हुई थी? लड़ाई बच्ची को झूठा आरोप लगा रहे कि हमारे घर कूड़ा डाल गई, कचरा डाल गई। हाँ, जबकि लड़की पटेल के घर गोबर थोप रही थी करीब। अभी कहाँ भरती है वो? अभी लड़की भरती है विदिशा में। कहाँ पे? ऊपर मतलब तीसरी। अच्छा। मंजिल पे। साथ कैसी स्थिति उसकी है? कैसी स्थिति है? स्थिति कैसी होगी? तो साफ डरी है पलंग। सिरोंज तहसील की ग्राम झागर से सुरतिया चलार गिरवर चलार प्रशासन के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनका भतीजा राजन द्वारा 1 बीघा जमीन पर फर्जी हस्ताक्षर कराकर गोदी नामा बनवा लिया गया है। इसकी जानकारी मिलने पर न्याय की मांग करने प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे और कलेक्टर से शिकायत की।
गिरवर जी कौन है आपके? पिताजी। काय के लिए आए यहाँ पर? भाई जमीन के बाद जमीन कौन ने कब्जा कर ला, कौन ने कैसे ले ली उन्हें तुम्हारी जमीन? गोदी नामा झूठी भरा दी। झूठी नामा? इन्हें साइन नहीं करे? नहीं करे। अच्छा, कब करे थे इन्हें? कितने साल हो गए? 7 साल पता नहीं चला। 7 साल पता नहीं चलो। अब क्या चल रहा है? अब ये मान लो केस चल रहा हो। केस चल रहा है। अब जो कलेक्टर का आए हो? अब टूट जा था। पूरा नाम बताओ। समाज चढ़ा। तुम मत बोलना। कहाँ से आए हो? झागर। कौन सी तहसील में है? काय के लिए आयो? अब ये सुनवाई के मारे आए हैं। क्या होगा तुम्हारे साथ? मेरी एक बीघा जागा भतीजे ने भरवा है। भतीजे को नाम का है? राजन। राजन कब करवा ली माने? 7 साल दावे पतो पड़ो। 7 साल से दावे रहो पतो पड़ो। अच्छा, कितने की कीमत होगी जमीन की? 3.5 लाख। 3.5 लाख। तो अब केस चल रहा है आपको? केस चल रहा। भारत पेट्रोलियम द्वारा सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए ई KYC कराना अनिवार्य किया गया है। विदिशा गैस संचालक विवेक ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। आम उपभोक्ता के लिए किस तरीके की KYC का कार्य चल रहा है यहाँ पर, क्या लाभ होगा उसका? देखिए, भारत सरकार के द्वारा पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा संपूर्ण भारत में गैस के सभी उपभोक्ताओं के EKYC होना है, और जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी विदिशा शहर में 5 गैस एजेंसियाँ हैं, करीब 12 से 15% उपभोक्ताओं ने EKYC कराया है, और 31 मई इसकी आखिरी तारीख है। चूँकि तारीख और भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे उपभोक्ता हैं जिनका नहीं हुआ है, तो हमारा सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि अपना EKYC गैस एजेंसी पर आकर करा लें। क्या हमारे जो गैस के हॉकर हैं, जो सिलेंडर लगाते हैं, वो भी घर घर जाकर EKYC कर रहे हैं। ये क्या निःशुल्क होगा क्या? हाँ जी, ये निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। इसमें सिर्फ गैस की पासबुक और आधार कार्ड, और जिनके नाम से गैस कनेक्शन है उनको। वार्ड क्रमांक 33 अम्बाली कॉलोनी के निवासी गहराते जल संकट से हैं परेशान। पानी की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। क्या समस्या ऐसी है कि सर हमारे यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत चल रही है सर, और जो टैंकर आते हैं तो वो भी मतलब बेसमय आते हैं, मतलब कोई समय नहीं रहता उनका फिक्स। अब मान के चलिए जो ज़रूरतमंद हैं, मान के जिनको पानी की ज़रूरत है, भाई सबके बोर खाली हो चुके हैं, किसी के बोर में पानी नहीं आता है। तो पता ये चल रहा है कि पानी ऐसा आता है कि उसमें भीड़ इतनी पड़ती है, एक टैंकर आता है एक दिन छोड़ के, और जो हमारे सरकारी नल है जो बैतवा नदी से आते हैं उनका पानी भी एक दिन छोड़ एक दिन आता है। तब पानी की ज़रूरत आप कुछ समझ सकते हैं, डेली की ज़रूरत रहती है इंसान। रोड की कंडीशन ऐसी है कि अभी आप बरसात में ऐसी समस्या हो जाती है कि हम नहीं निकल पाते। बासुदा से पुनीत यादव अपनी पत्नी के साथ जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि पड़ोसी अरविंद मीणा द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। मारपीट का कारण प्रतिदिन कुत्ते का भौंकना बताया है। बासुदा में रिपोर्ट कराई गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। पुनीत यादव कहाँ से आया? काहे के लिए आया? किस संबंध में? कब हुई थी लड़ाई? 25 तारीख को। काहे पे लड़ाई हुई थी? क्या हुआ तो कुत्ते ने क्या करा था? कब की घटना ये? 25 तारीख। कौन कौन ने मारा आपको? तो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करी आपने? फिर कुत्ता भौंकता था, इसमें विवाद हुआ। विदिशा रेलवे स्टेशन पर देखने में आया
कि कुछ लोग रेलवे के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तीन युवक प्लेटफॉर्म के आगे की ओर रेलवे पटरी पर बैठ जाते हैं, जबकि दूसरी रेलवे ट्रैक पर ही एक तेज गति से ट्रेन भी गुजरती है। खतरे को सामना देखते हुए भी ये तीनों युवक अपना मोबाइल रेलवे पटरी पर ही बैठे बैठे देखते नजर आए। वहीं कुछ रेलवे यात्री पटरी पार करते हुए देखे जाते हैं। रेलवे के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और अपनी जान को आफत में डालने से बिल्कुल भी नहीं कतराते ऐसे लोग। देखिए आप नज़ारा। लोहा की पहाड़ी पर स्थित सिद्ध माँ अन्नपूर्णा के दरबार में माँ के भक्तों द्वारा पंखा लगवाया गया है। वहीं लोहांगी पहाड़ी पर स्थित भोलेनाथ के दरबार में छांव भी कर दी गई है, माँ के भक्त ने बताया। जय माँ अन्नपूर्णा। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, विदिशा में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हमारे विदिशा शहर के मध्य स्थित सिद्ध माँ अन्नपूर्णा दरबार लोहांगी पहाड़ी पर एक पंखा लगाया गया है मैया के पास, और जहाँ भोलेनाथ बाहर स्थान पर विराजमान हैं उन्हें छांव की व्यवस्था की गई है, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सके। जय माँ अन्नपूर्णा। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। नमस्कार।